कसौटी जिंदगी की। आज कसौटी के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे खुशी का दिन है। जी हाँ, हमारे अनुराग की यादाश्त वापस आ गई है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ विराज का द एंड हो जाएगा और हमारे अनुराग की यादाश्त वापस आ जाएगी। जी हाँ, आज विराज जहाँ प्रेरणा के साथ, शुरुआत में आप देखेंगे विराज प्रेरणा के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। वो उसी पहाड़ी पर उसे ले गया है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। प्रेरणा कई बार मना करती है विराज को कि उसे ये शादी नहीं करनी, उसे जाने दो, पर विराज तो यहाँ पर सोनालिका का कठपुतली है। सोनालिका जैसे जैसे कहेगी विराज वैसे वैसे करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुराग पहुँच चुका था विराज के घर और यहाँ पर विराज अपने गुंडों को कहकर अनुराग को इस पहाड़ी पर बुलाता है। अनुराग बेहोश है और यहाँ पर प्रेरणा उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। वो विराज से रिक्वेस्ट करेगी कि अनुराग को छोड़ दो, अनुराग की तो मुझसे क्या दुश्मनी है। और यहाँ सोनालिका लगातार विराज से संपर्क में बनाए रखी है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि विराज और प्रेरणा की शादी हो जाए ताकि वो और अनुराग पूरी लाइफ अच्छे से बिता सके। खैर, गलत कितने दिन गलत रहता है और झूठ कितने दिन छुपा रह सकता है। जल्द ही सोनालिका के पापों का घड़ा भरने वाला था और आज वो दिन आ गया है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुराग लड़ने की कोशिश करता है, विराज और अनुराग में हाथापाई होती है और प्रेरणा विराज को पहाड़ी से धक्का दे देती है। विराज पहाड़ी से गिरते गिरते तक गोली मार के जाता है और वो गोली प्रेरणा को पैरों के पास लगती है। जैसे ही प्रेरणा गिरने वाली होती है, अनुराग उसे गोदी में उठा लेता है और बहुत परेशान होता है। उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है बिकॉज इस वक्त प्रेरणा प्रेग्नेंट है। प्रेरणा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है कि रास्ते में उसे कई सारी वो चीज़ें दिखती है जो प्रेरणा और उसने साथ में बिताए थे। वो सारे पल याद आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है। प्रेरणा को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और अनुराग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत परेशान होता है। और वो वक्त होता है अनुराग की ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन, जो 2 साल अनुराग भूल चुका था, जो मेमोरी लॉस हुई थी वो सारी मेमोरी यहाँ पर इस हॉस्पिटल के बाहर, जब अनुराग प्रेरणा के रूम के बाहर खड़ा होता है जहाँ प्रेरणा का ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर उसे सब कुछ याद आता है। वो देखता है वो कैसे प्रेरणा को मांग में सिंदूर भर रहा था, कैसे वो उसे गले लगा रहा था, कैसे वो लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, सब कुछ। और उधर प्रेरणा एक बेटी को, बहुत क्यूट सी बेटी को जन्म देती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और अनुराग को कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बेटी के पिता बने हैं। अनुराग को सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, यहाँ पर अनुराग प्रेरणा के पास जाएगा और बहुत ही स्माइल से देकर कहेगा कि हम पेरेंट्स बन चुके हैं, मिसेस प्रेरणा अनुराग बासु। ये बात सुनकर प्रेरणा को समझ में आ जाता है कि अनुराग को सब कुछ याद आ गया है। अनुराग अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और यहाँ अनुराग की पूरी फैमिली पहुँचती है। मोहिनी की शक्ल तो देखने लायक होती है, उसे ऐसा लगता है उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। यहाँ पर अनुराग अपने पिता के पास अपनी बेटी को ले जाता है और कहता है इसे घर ले चलना है। मुलायम बासु कहते हैं कि प्रेरणा से पूछ कर ही ले जा सकते हैं। वो कहता है प्रेरणा को भी घर ले जाएंगे। ऐसे में मिस्टर मुलायम को लगता है कुछ तो है। वो अनुराग से पूछते हैं तुम्हारी याददाश्त। अनुराग सबके सामने कहता है मेरी याददाश्त वापस आ गई है। और अनुराग उसी समय सीधे प्रेरणा के घर में फ़ोन करता है और कहता है मैं अनुराग, यानी प्रेरणा का पति, प्रेरणा मेरी पत्नी है और आपकी बेटी ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है। प्रेरणा के घर वाले, माँ, शिवानी, भाई, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर मोहिनी को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। और जैसे ही अनुराग ये बात अपने पिता, अपने बाबा मुलायम बासु को कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, सोनालिका जस्ट हॉस्पिटल पहुंचती है और सुन के ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे कि 3 दिन का चैलेंज दिया था प्रेरणा ने सोनालिका को कि वो 3 दिन में सब कुछ ठीक करके दिखाएगी। फाइनली माता रानी की कृपा से, या ये कहें कि हमारे मेकर्स की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। अनुराग की याददाश्त वापस आ गई है। विराज भी इस शो से एग्जिट हो चुका है। अब बड़ी चीज़ है सोनालिका, क्या करेगी सोनालिका? अनुराग को सब कुछ याद आ चुका है, ऐसे में सोनालिका का क्या होगा, कौन सी नई चाल चलेगी? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।